हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ भैया, मैं अशोक सोनी बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? अरे प्रेमनगर से आप राजकुमार बोल रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ यार, जो हम लोग जो है पीरागढ़ी वहाँ पार्क में मिले थे जब वो चतुर्भुज यादव आए थे, सीबी यादव, जो चंदा उंदा दिए थे। यार आप तो मिलते रहते हो पटेल के साथ में। हाँ, हाँ मैं वही अशोक सोनी, पहचाने? हाँ हाँ बताओ भैया। हाँ बताओ, हाल चाल बताओ। क्या हो रहा पीएसीएल का? बस ठीक है भाई, जो पीएसीएल का क्या हो रहा? ऑनलाइन सबमिट किए थे ना हाँ उसमें से 25% फॉर्म सही जमा हुए थे। 100 अच्छा, आदमी जमा किए, ऑनलाइन किया था तो 25 आदमी का सही था, 75 का गलत। न्यूज आया था सेबी की तरफ से, नोटिफिकेशन आई थी 1-1.5 साल पहले, अच्छा, क्या क्या दिया था उसमें? सबमिट जो किया है ना सबका सही सबमिट नहीं है, कोई ना अच्छा कोई इसके अंदर कमियां हैं। अच्छा अब उसी कमियां का वो लोग फायदा उठाते हैं। अभी कुछ नहीं हो रहा है सर, ठंडे बस्ते में। अरे ठंडे बस्ते में। आप भी तो ऐसो कमेटी के मेंबर थे ना? मेंबर फेम्बर सब खत्म हो लिए। अरे काहे? यार मैसेज आता रहता है, वरना हो तो कुछ रहा नहीं। नहीं, हो क्या रहा? जब वो आप लोग किए होगे तो उसी हिसाब से तो रिस्पॉन्स आता होगा। आप लोगों ने क्या क्या किया? जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई तगड़ा एक्शन नहीं होगा ना, ऐसे ही चलता रहेगा। आदेश एक बार कर दिया, उसी पे कमेटी बैठी हुई है, माल खा रहे हैं अच्छा, कौन खा रहा? कमेटी वाले हैं। गवर्नमेंट के ही बंदे खाएंगे और कौन खाएगा अच्छा भाई, तनख्वाह तो उनकी लाखों रुपया आई है। यार, एजेंट तो बेमौत मर गए। चंदा भी दिया खूब जो है, कम से कम, और नहीं तो अभी तक मिला करके 2-3 हजार रुपए तो मैं ही दे चुका हूँ। अरे भाई 15-20 हजार तो मैं भी दिया हूँ, जितने बार जाओ उतने बार 2 हजार 3 हजार देना ही पड़ता था। तो हाँ, लेकिन कुछ किया नहीं इन लोगों ने। साला क्या बताएं, जो चल रहा है चल रहा है। पैसे तो आए हैं लोगों, छोटे छोटे पैसे आए हैं। हाँ, लेकिन 10 में से 1 का आया है, देखो 10 में से 1 का आया है। मैंने न्यूज पढ़ी थी, अच्छा जो ऑनलाइन सबमिट किए थे ना हाँ उसमें से 25% फॉर्म सही जमा हुए थे। 100 अच्छा, आदमी जमा किए, ऑनलाइन किया था तो 25 आदमी का सही था, 75 का गलत। न्यूज आया था सेबी की तरफ से, नोटिफिकेशन आई थी 1-1.5 साल पहले, सबमिट क्या क्या दिया था उसमें? जो किया है ना सबका सही सबमिट नहीं है, कोई ना कोई अच्छा इसके अंदर कमियां हैं। अच्छा अब उसी कमियां का वो लोग फायदा उठाते हैं। अच्छा नहीं तो राजकुमार, एक बात बताएंगे आप? भाई ये जो प्रॉपर्टी जो है इनके पास में कम है, कमेटी के पास में, तो पेमेंट पूरी कहाँ से आएगी? भाई देखो, कमेटी के पास गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी देश विदेश में भी है, 3-4 कंट्री में बाहर भी है। अच्छा लेकिन सरदार बहुत शातिर दिमाग का था, इसे बहुत दिन पहले 2004 से ही अपनी प्लानिंग कर रखा था ऑस्ट्रेलिया वगैरह का। अच्छा जो 4-5 सीनियर थे ना पुराने, कौन कौन? अरे जो पुराने मर गए सारे, गया आरडी सिंह वगैरह, अच्छा इनको सबको पता था इसका रिजल्ट क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है, मिल जाएगा पैसा? पैसा 100% नहीं मिलेगा, अच्छा, तो 100% तो मतलब ही नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। भाई। इसमें तुम क्या करोगे, हम क्या करेंगे? नहीं, मेरे तो विचार में एक बात आ रही है कि जो बड़े बड़े सीनियर लोग जमीनें लेकर के बैठे हुए हैं। नहीं कुछ तो वापस कर दिए। अरे एक बात बताओ यार, 10 में से 2 वापिस कर दिए तो क्या होगा उससे, ये बताओ ना। भाई अब जो लिए बैठे उनको कैसे निकालेगा बंदा? क्यों नहीं निकालेगा? पैसा मेरा है तो फिर निकालेगा अरे कैसे? ढूंढेगा कौन, किसके नाम है? मैं तो ढूंढ रखा हूँ जिसके नाम पे है। बताओ मुझे किसके नाम पे है? हमारे नॉलेज में तो आरडी सिंह मरी गया, वही चीफ था दिल्ली का। और किसी के नाम पे है तो बताओ, मैं निकाल सकता हूँ। रूपचंद वो भी गुजर गए, अच्छा गया सिंह है वो लापता है, 3 ही 4 बंदे थे। नहीं अच्छा गया सिंह के नाम पे थी। गया सिंह सीनियरों में थे ना,
आरडी सिंह का दाहिना हाथ था वो। एक गया सिंह रहते कहाँ थे? यही तो नहीं पता, मंगोलपुरी में मकान थे तो बेच के चले गए। अच्छा, पहले साउथ है उसमें रहते थे नॉर्थ ब्लॉक में। अब रिटायर हो गए, वहां से भी कमरा खाली कर दिए, गवर्नमेंट ड्यूटी थी। अच्छा, आप तो ऐसो कमेटी के मेंबर थे, आपको तो अंदर की थोड़ी जानकारी। कोई मेंबर नहीं है भैया, हमारा मेंबर का सारा काम खत्म हो गया 4 साल पहले। पहले थे? पहले थे नहीं, नाम डाल रखे थे वैसे औपचारिक का पैसा वसूलने के लिए। अच्छा यार, 3-4 हजार रुपया तो मैं भी चंदा दे चुका हूँ इधर से भी। बता रहा हूँ 15-20 हजार मैं दिया हूँ इकट्ठा कर करके। जब बैठ लिया कि साला अपना काम चला रहे हैं लोग तो मैं जाना ही छोड़ दिया। अब ऐसो कमेटी में कौन है कुछ पता है? अरुण कुमार राय है। अभी है वो? और क्या। अच्छा भाई, अभी तो कोई कस्टमर भी अब नहीं पूछता है, महीना में गाड़ी का किसी का फोन आता है। अच्छा, नहीं हमारे 10 आदमी थे मेरे पास। गाड़ी का कभी महीना में आता है कोई भूलने भटके? नहीं हमारे मैं तो सबको बोल दिया भाई, पैसा भागे का होगा तो मिलेगा, नहीं तो राम राम है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। जिसका अलॉटमेंट क्लिक कर दिया है, जो सबमिट किया है अलॉटमेंट पे क्लिक कर दिया, उसका पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि उसको लैंड अलॉट हो गई तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। नहीं तो लैंड अलॉट क्या कस्टमर ने किया है या कंपनी ने दिखाया है? कंपनी ने दिखा दिया। हाँ, 90% कस्टमर का दिखा रखा। अच्छा, तो फिर उनका तो गया। जिनका फार्म ऑनलाइन सबमिट किया है उसमें किसी ने अलॉटमेंट पे क्लिक कर दिया। अच्छा, चूती आदमी तो किए हैं, किसी को पुराने कंपनी के बंदे तो थे नहीं, सबने लाइन लगा लगा के पैसे कमाए हैं, 200-150 पर पेपर ले लेके। उनको पता नहीं ABCD क्या है, उन्होंने क्लिक कर करके भेज दिया है, उनके पैसे तो गए। हाँ हाँ बिल्कुल, गलतियां यही ज्यादा हुई हैं। और सबसे ज्यादा गलती तो कंपनी ने किया है। कंपनी का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया था भाई, जब गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। ठीक है, एक बार मामला कोर्ट में जाने के बाद कंपनी क्या करेगी? अरे मेरी बात सुनो राजकुमार भाई, जब तुम्हें नहीं मालूम है अभी इसके बारे में, इन लोगों ने कितनी बड़ी चाल खेली है। जब ये 22 अगस्त 2014 का ऑर्डर आया था, आपको पता था ऑर्डर में क्या लिखा था? क्या लिखा था? 6 महीने में पैसा देना था। है 6 महीने में पेमेंट करनी थी कस्टमर को। तो वो ऑर्डर सबको दिखाया इन्होंने, बताया किसी को? अरे सब हम लोगों को तो पता था, 6 महीने में कहाँ से दे देंगे। अरे मेरी बात सुनो ना यार, 6 महीने में नहीं दे देंगे तो देना तो चालू करते ये लोग भाई। उसमें देने की नियत होती है उस समय, जब उनको पता है हमने जेल जाना है तो कमीन इतने कमीन थे ना वो, बीच में दिया था 2-3 करोड़ दिया था बस। और उसके बाद में 2000 जो है 16 में जो ऑर्डर आया था उसका सुप्रीम कोर्ट का, उसने क्या लिखा था? वो तो फरवरी में बंद ही कर दिया था। नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में गया था जब केस ये लेकर के गए थे इस मैटर को चुकाने के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट गए थे। जब भाई 16 फरवरी को इनको जेल के अंदर जनवरी में डाल दिया था, फरवरी में कुछ कमेटी बना दी थी। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। 16 में ही? हाँ, 2016 में सुप्रीम कोर्ट का भी यही ऑर्डर था कि पैसा, तो जब कमेटी बन गई, कमेटी को आदेश दिया कि 6 महीने में पैसा दे दो, सब जमीन की नीलाम करो बेचो। 2016 के ऑर्डर के बाद कमेटी बनी है, इन्हों लोगों ने जानबूझ के कमेटी बनवाई है ताकि हमारे सब खेले खाए आदमी है जो मैनेजमेंट चलाता है, जब जानता है कि फंस गया हूँ तो अपना पकड़ो खुद ही मार लेते हैं। चलो जाके बैठ गए, जेल जाके बैठ जाना है उनको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सोचा तुम्हारा नंबर भी है मेरे पास में, मैंने कहा जरा बात। अरे भाई इसमें देखो, हम अब इसका जो सीबी का ऑफिस था पहले यहाँ था सोका होटल में, जो कमेटी का ऑफिस था यहाँ, लोग जाके बातचीत भी कर लेते थे, कुछ आइडिया मिल जाता था। साला उठा के बॉम्बे कर दिया। अच्छा, दिल्ली से तो कोई पता मिलने वाला नहीं, बॉम्बे से मिलने वाला। बॉम्बे कौन जाएगा, भटकेगा वहाँ।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो फोन किया, मैंने आपको कुछ जानकारी होगी। जानकारी भैया वही है जिसमें अभी इनका जो है ऑनलाइन ट्विटर पे जो है ना कॉन्फ्रेंस चलती रहती है, मैं तो कभी ज्वाइन नहीं किया, आता रहता है मैसेज। हमारे साथ आज भी साथ है, आज भी 9 बजे का था। अच्छा, ट्विटर पे करते रहते हैं। ये तो ट्विटर से चुटकिया बनाने वाला काम है, वही सब मैसेज आता रहता है, वो सब देखो बनाने वाला काम है भाई। यार एक तरह से हम तो जानते हैं कि पैसा पूसा कुछ ना मिले, भाई देख चुतिया बना रहे हैं। अभी भी जो आदमी चंदा चुंदा दे रहा है, कुछ आदमी दे रहे हैं ना अभी। अच्छा, अभी भी चंदा जा रहा है? अरे जाएगा नहीं तो साले करेंगे कहाँ से ट्विटर का, चाय तो पियेंगे कहीं बैठेंगे तो, महीना में एक दो बार बैठते भी तो होंगे, वहाँ का भी तो खर्चा आएगा। कई लाख करोड़ आदमी थे जिसमें से 150 आदमी तो साथ होंगे, सब आदमी 500 दिया तो हो गया भाई 25,000।